सो वेलकम बैक टू विजन एक्स अपडेट्स। आज की इस वीडियो में बात करने वाले बहुत सारे गेमिंग न्यूज़ एंड अपडेट्स को लेकर के। सो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो, क्योंकि हम कोशिश करते हैं आपको ऐसी ही ट्रेंडिंग एंड इंटरेस्टिंग न्यूज़ जल्दी से जल्दी देने के लिए। अब बात कर लेते हैं न्यूज़ के बारे में। सो फर्स्ट न्यूज़ आ रही है माइक्रोसॉफ्ट एंड डिस्कॉर्ड को लेकर के। सो अगर आपको नहीं पता, 2-3 हफ्ते पहले न्यूज़ आई थी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्कॉर्ड को पूरा का पूरा खरीदने वाला है, बट अभी डिस्कॉर्ड की तरफ से स्टेटमेंट आ गया है कि भाई वो किसी भी कंपनी द्वारा बिकने नहीं वाला है। वो पार्टनरशिप कर सकता है बट वो बिकने नहीं वाला है। अब बात कर लेते हैं दूसरी न्यूज़ के बारे में, जो कि अरे डायनमो को लेकर के। सो डायनमो अपनी लाइव स्ट्रीम में बड़ा गुस्सा देखे बिकॉज ऑफ एलगाटो एंड ओबीएस। सो वो भी आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हो, बट उससे पहले गाली अलर्ट, हेडफोन या ईयरफोन लगा लेना। हो जा भाई, हो जा। अबे भाई फक ब्रो, क्या हुआ? मैं भाई जब भी तुम, पता नहीं मेरी आवाज स्ट्रीम पे जा रही कि नहीं जा रही है, जब भी तुम कुछ सीन डिलीट करते हो ना ओबीएस का, ओबीएस क्रैश हो जाता है लाइव जब रहता है तो। मैं हमेशा ही भूल जाता हूँ, अब ओबीएस क्रैश हो गया है। अब भाई फक दिस शिट मैन, यार क्या मादर चोद है भाई ये, इनकी माँ की चोद, उसकी बहन का भोसड़ा, इसकी ओबीएस वाले की। अब बात कर लेते हैं अगली न्यूज़ के बारे में, जो कि आ रही है ओशन शर्मा एंड जॉनाथन को लेकर के। सो दोनों ने रिएक्ट किया कि पबजी मोबाइल इंडिया कब तक आएगा। ओशन शर्मा ने तो अपने चैनल पे जो वीडियो डाली थी उसमें रिएक्ट किया था इस चीज़ के बारे में। सो अगर आपको फुल वीडियो देखनी है तो आप जाके देख सकते हो। एंड जॉनाथन ने अपने लोगों की लाइव स्ट्रीम में रिएक्ट किया था इस चीज़ के बारे में। सो दोनों के रिएक्शन आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हो। ट्रेलर आएगा ये पक्की बात है, देखो ट्रेलर आएगा ये पक्की बात है, और पक्की बात है कि आगे आने वाले टाइम में ऑब्वियसली पबजी मोबाइल कॉम्पिटिटिव बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है इंडिया के अंदर। डेडिकेटेडली इंडिया को बहुत अच्छे अच्छे टूर्नामेंट्स मिलने वाले, पक्की बात है। बट जो भी डेट्स या कुछ भी है ना, बहुत जल्दी आना है। इट्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर, बट वी डोंट वॉन्ट टू जिंक्स एनीथिंग राइट नाउ, वी डोंट वॉन्ट टू जिंक्स एनीथिंग। सो हाँ, बहुत सारी चीजें हैं, बट वेट कीजिए। ब्रो गेम के आने की कुछ हिंट तो अभी कुछ नहीं भाई, सीधा आपको ऑफिशियली पता चल जाएगा। अभी नहीं, बट थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए, थोड़ा चिल करो भाई। मैं कुछ नहीं बोलूँगा ब्रो, आई एम नॉट न्यूज ब्रो। गेम जब भी आना होगा आ जाएगा, अब बात कर लेते हैं मैक्सचन के बारे में। सो मैक्सचन ने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालते हुए बताया था कि वो डोप गॉड नो चिल पे कोर्ट केस फाइल करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने मतलब फेक आईडीज बना के मेंटली हरास किया था सबको एंड रेप थ्रेट दिए थे। एंड ऑल्सो मैक्सचन मतलब कोर्ट केस फाइल करने वाले हैं डोप गॉड नो चिल पे। सो जिनको मैटर नहीं बताया वो इंडियन गेमिंग न्यूज़ क्रिएटर्स की वीडियो देख लेना, ये हाईलाइट्स चैनल की वीडियो देख लेना। एंड सॉरी मैं इस चीज़ को कवर नहीं कर पाया, मेरे घर में कुछ इश्यूज चल रहे थे। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बारे में। सो इनके फादर को कोविड पॉजिटिव हो गए थे 2-3 दिन पहले, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ने अपने इंस्टाग्राम पे आज बताया कि जो उनके ऑक्सीजन के लेवल्स है वो बहुत लो जा रहे हैं एंड उनको वेंटिलेटर की नीड है। इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ने ट्विटर पर एक ट्वीट भी किया था एंड उसको रीट्वीट करने को भी बोला था, बट अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ने बताया कि उनको वेंटिलेटर मिल चुका है। बट स्टिल उनके जो फादर की जो सिचुएशन है वो अभी क्रिटिकल है। बट उन्होंने ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ने अपने कॉन्टैक्ट की डिटेल्स भी शेयर की थी, एंड कुछ लोग ये चीज़ कर रहे थे कि भाई डीजे आलोक दे दो प्लीज़, डीजे आलोक दे दो प्लीज़। एंड इस चीज़ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में एड्रेस भी किया कि अभी ये चीज़ें मत करो भाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ने तेरा नंबर नहीं हाइड किया होता ना, सही में कॉल करके मैं तेरे को गालियाँ वालियाँ देता भाई, प्लीज़ ऐसा मत किया कर। सो बात कर लेते हैं फौजी के बारे में। तो जो फौजी का सिनेमैटिक ट्रेलर था टीडीएम मोड का, वो भी आउट हुआ है अभी एंड बोला जा रहा है कि 21 जून को आने वाला है। सो सिनेमैटिक ट्रेलर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, एक सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए पीस आउट एंड साइनिंग आउट।